ओम शांति। प्रोजेक्ट वर्क पीजीडीवीएस के लिए भी बहुत जरूरी है और एमएससी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क का लगभग डबल ऑफ द ये लगभग डबल हो जाता है जब डिसर्टेशन के टाइप में जब लिखेंगे। तो उसमें क्या है, प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए तो पूरा तरीका तो लगभग डॉक्टर गुप्ता जी ने पूरा बता दिया है। इसमें हमको एनालिसिस कैसे करना है जो मेन पार्ट है प्रोजेक्ट का, क्योंकि आगे कुछ भी लिख सकते हैं और जो पीछे भी कुछ भी लिख सकते हैं। टोटल एनालिसिस ऑफ द डाटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उसके लिए क्या कैसे करें, उसके ऊपर हम लोग शुरू शुरू में हरिनगर में जब सारे ये किया था, क्लास हुआ था, उस टाइम में गुप्ता जी ने बोला कि चलो संतोष भाई है, एमफिल किया है, तो ये अकेला सबका करा देगा। लेकिन एक व्यक्ति 130 लोगों का कराना इट इज इम्पॉसिबल है। और उसके लिए हमने सोचा, और हमें टाइम भी कम मिलता है, क्योंकि जितना मेहनत हमने पीजीडीवीएस में किया है इतना हमने एमए में भी नहीं किया, एमफिल में भी नहीं किया, एमकॉम में भी नहीं किया, सारे डिग्रीज किया, लेकिन इसमें जितना मेहनत लगा, क्योंकि करने में तो बहुत मेरे लिए आसान है, कराने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगभग 130 सारे प्रोजेक्ट्स बनाना इट इज इम्पॉसिबल टॉपिक है, क्योंकि कम टाइम में। इसलिए हमने सोचा, क्योंकि पीएचडी में मैं किसी को असिस्ट कर रहा था, तो मैं सारे जो जो डॉक्टर राणा जी ने बताया था कि जो भी हम लोग डाटा लेते हैं क्वेश्चनर भरवाने के बाद, उसके आगे का प्रोसीजर हम क्या करते हैं, क्योंकि एक बड़ा सा चार्ट का पेपर ले लेते हैं और क्वेश्चंस का सारे नंबरिंग लिखते हैं और एक एक रेस्पॉन्डेंट्स क्या क्या कहा क्या नहीं कहा उसके लिए पूरा करते हैं और कैलकुलेटर लेके बैठे रहते हैं। लगभग 2-3 घंटा लग जाएगा, या नहीं तो कहीं 2-3 दिन या 4-5 दिन भी लग जाएगा केवल डाटा एनालिसिस के लिए। उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि क्या हमने सही किया या गलत किया, क्योंकि गलत भी हो सकता है कैलकुलेटर में। लेकिन ये बाबा का इंस्पिरेशन कहो, उसमें क्या किया, हम सोचे कि एक्सेल के ऊपर तो हम कभी कोई कंप्यूटर का कोर्स तो किया ही नहीं है हमने वैसे फॉर्मली, लेकिन बाबा का नॉलेज है, कहीं इधर उधर से सीखा, लर्निंग एटीट्यूड था ही, उससे हमने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया था, कैलकुलेटर बनाया था, प्रोजेक्ट कैलकुलेटर का। और ये एमएस एक्सेल में काम करेगा, ठीक है, जो हर सेंटर में अवेलेबल है लगभग, क्योंकि ऑफिस 2000 में बनाया हूं, ताकि कोई भी जो 2007 के सॉफ्टवेयर होगा उसमें भी खुल जाएगा। लगभग मैक्सिमम सेंटर्स में अकाउंट्स के लिए 2000 यूज करते हैं, इसलिए 2000 में बनाया, ताकि हर एक सेंटर में आराम से कर लें। दूसरा, इस कैलकुलेटर को यूज कैसे करें, और जब आप सारे क्वेश्चनर जब भरवाते हो, लगभग 50 मेंबर से भरवा देना और 20 क्वेश्चंस रखना, उसके ऊपर रखने की जरूरत है नहीं, और 50 मेंबर्स भरवाना है, यानी तो 25 ले लेंगे, उसका डबल भी आप कर सकते हैं, ठीक है, 25 मेंबर से भरवा के उसी का आप डबलिंग भी कर सकते हैं, जो 50 के द्वारा ये कैलकुलेटर काम करेगा। तो हम इसको यूज देखते हैं, इसके लिए कैसे यूज करना है। ये 50 रेस्पोंडेंट्स के लिए काम करेगा और इसमें एमएस एक्सेल शीट में रहेगा। इसके लिए तो केवल आपको इतना ही जानना जरूरी है, 1, 2 और 3 लिखना, एक एक कॉलम में। यस है तो 1 लिखो, नो है तो 2 लिखो, नॉट अवेयर है तो 3 लिखो। ये सबको सजेस्ट करता हूं, कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चनर मत बनाना, क्योंकि जिसके द्वारा कैलकुलेशन में आपको बहुत मुश्किल हो गया। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूं, क्वेश्चनर में आपने कितना समय का योग किया, जैसे ध्यान अवस्था के ऊपर हमने ले लिया, तो कई कई लोग ऐसे भी प्रश्न लेके आए थे, उसको क्वांटिफाई करने में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जो भी हाँ ना या नहीं तो पता नहीं है, ये 3 ही कॉलम रखना क्वेश्चनर जो भी बनाते हैं, तो तब ये आराम से आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए जब इसमें लेफ्ट में सारे इंस्ट्रक्शंस टू यूज द कैलकुलेटर करके लिख दिया हुआ है, पूरा सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे करना है क्या करना है। लाइट ऑफ कर दें उस साइड का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा आइडिया ला जाएगा आपको। इसमें नीचे शीट्स है, 4 शीट्स जो आपको दिख रहा है यहां से, एक ये है कि इंस्ट्रक्शंस, और नीचे ये है डाटा एंट्री, ये है कंपाइलेशन, और ये है राइटअप। इसमें डाटा एंट्री में क्लिक करें
और जो भी वो क्वेश्चंस पूछता है, जो जो आपके पास फील्ड क्वेश्चनर रहेगा, उसमें केवल आपको क्या करना है, इसमें 20 कॉलम्स बना हुआ है, क्वेश्चन 1 से 20, ठीक है? और नीचे सारे कॉलम्स में सारे क्वेश्चंस हैं, और जो रोस में सारे 50 रेस्पोंडेंट्स का नंबर दिया हुआ है। क्योंकि ये कैलकुलेटर कभी गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका क्रॉस चेक करने के लिए भी एक प्रोविजन रखा है। राइट साइड में टोटल का कॉलम आप देख रहे होंगे, जो रेड लाइट से ये है, और व्हाइट से आपका 000 करके दिख रहा है, ठीक है? तो इसमें करना क्या है, केवल इसको ओपन करने के बाद जब 50 क्वेश्चनर्स आपके पास फील्ड है, उसको लेकर एक क्वेश्चन नंबर के नीचे जो फर्स्ट वाला है और फर्स्ट रेस्पॉन्डेंट है, उसको यदि एस है तो 1 करो, यदि सेकेंड क्वेश्चन में नो है तो 2 करो, यदि थर्ड क्वेश्चन में नॉट अवेयर है तो 3 करो। इसमें 1 या 2 या 3 को ही यूज करना है, उसके ऊपर कोई भी नंबर यूज नहीं करना है, नहीं तो फिर कैलकुलेटर नहीं समझ में नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। ओनली यस नो और नो कॉमेंट्स है, यस है तो 1 है, नो कॉमेंट्स है तो 3 है, नो है तो 2 है, ठीक है? इसको जब एंट्री करने के बाद, बाकी आपको कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट ऐसा कर देगा, क्योंकि एक मैं ब्लैंक कैलकुलेटर दिया हूं और एक फील्ड कैलकुलेटर दिया हूं, क्योंकि आपका जब सीडी में जब ले जाएंगे, ब्लैंक कैलकुलेटर को और एक बार कॉपी करने के बाद उसी को यूज करना। फील्ड कैलकुलेटर यदि मैं करके दे दूं तो सारे लोग जब डिलीट करने के लिए जब बैठ जाते हैं, तो जो फॉर्मूलाज इसके अंदर डली हुई है उसको डिलीट कर दिया तो कुछ नहीं काम करेगा। इसीलिए एक काली कैलकुलेटर दिया है और एक फील्ड कैलकुलेटर दिया, कैसा आएगा करके। तो इसमें सारे एंट्री कर लिया आपने, जो 50 लोगों का एंट्री किया, वो टोटली सारे का एक एक कॉलम आपको दिखाई देगा। उसके हिसाब से राइट साइड वाले को चेक करना कि टोटल 20 आ रहा है या नहीं, जो टोटलिंग में दिख रहा है ना, ये वाला एक लाइन है जो पूरा रेड से लगा हुआ है और उसमें व्हाइट नंबरिंग दिया हुआ है, उसमें क्या हो जाएगा कि टोटल इसमें 20 आ रहा है या नहीं। यदि मान लो कुछ भी एक आप एक भी कॉलम आपने ब्लैंक छोड़ दिया, तो वो 19 आएगा या 18 आएगा। सो कैलकुलेशन कभी भी ये कैलकुलेटर कोई भी गड़बड़ करेगा ही नहीं, फर्स्ट एक्यूरेट है। दूसरा क्या है, यदि 50 रेस्पॉन्डेंट्स है या नहीं, वो सबसे नीचे जो लाइन है रेड वाला, उस लाइन में क्लियरली लिया हुआ है कि इसमें भी सारे 50 आना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक कॉलम आपने छोड़ दिया वो गलत है करके नीचे दिखाई देगा, क्योंकि सारे में 50 आना चाहिए ना। इसका मतलब ये कैलकुलेटर आपका एक्यूरेट कैलकुलेट करेगा, कोई भी गड़बड़ नहीं होगा इसमें। तो हर कॉलम में आपको केवल क्वेश्चनर ले लेना और बगल में एक और को हेल्प ले लेना, यदि यस है तो 1 लिखो, नो है तो 2 लिखो, और नॉट अवेयर है तो 3 लिखो। इट टेक्स ओनली 20 मिनट्स, 30 सेकेंड में आप एक लाइन भर सकते हैं। 50 रेस्पॉन्डेंट्स के लिए कितना लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट के अंदर सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब कंप्लीट करने के बाद मेन पॉइंट आता है आपका डाटा कंपाइलेशन। यदि नीचे एक कंपाइलेशन करके और एक शीट होगा, उसको क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये टोटल कितना लोग हाँ कहा वो भी बताएगा, कितना लोग ना कहा वो भी बताएगा, कितना लोग नॉट अवेयर कहा वो भी बताएगा, और ऑटोमेटिकली ये चार्ट भी बता देगा कितना लोग रेस्पॉन्स ने हाँ किया, यस किया, और नो किया, और नॉट अवेयर किया। ये वाला टोटल कंसोलिडेटेड ग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाता है, और आपको परसेंटेज में भी ऑटोमेटिकली बना देगा ये, ऑटोमेटिकली पूरा टेबल रेस्पॉन्स ऑफ द रेस्पॉन्डेंट्स इन परसेंटेज, ये भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। और एक एक क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन वन का पूरा टेबल बनाएगा, और नीचे ये पूरा ग्राफ भी बनाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे पूरा 20 क्वेश्चन का ये ऑटोमेटिकली बना देता है, और फिर लास्ट में एक फाइनल एक कंसोलिडेटेड टेबल भी बना देगा, और कंसोलिडेटेड ग्राफ भी ऑटोमेटिकली बनाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, रिसर्च जो क्वेश्चनर को देख के 1 या 2 या 3 भरना है, ऑटोमेटिकली ये भर देगा। जब ये तो आसान है, ये तो बन गया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब क्या करना है, इसको आप जो आपका जो प्रोजेक्ट बना है वो उसको कहाँ पेस्ट करोगे, पेस्टिंग का भी तरीका है ना। ये तो बन गया इसमें, लेकिन उसको ले जाके कैसे पेस्ट करना है वो पूरा इंस्ट्रक्शंस इसमें फर्स्ट वाले में दिया हुआ है। इसको जैसे ही टोटल आपको कोई भी टेबल जो करना है, उसको आपको करना क्या है, जस्ट आपको सेलेक्ट करके माउस से
माउस से कैलकुलेट करके क्या क्लिक करके क्या करना है, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, वो भी कैसे करना है, जैसे ये टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लो, राइट माउस में राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दिखाई देगा और कॉपी कर लो और आपको जहां पेस्ट करना है उसमें ले जाके कंट्रोल वी दबा दो या कंट्रोल डायरेक्टली पेस्ट दबा दो राइट क्लिक करके, वो भी सब कुछ लिखा हुआ है। ये इसलिए बोल रहे हैं कई लोगों को सारे 1 2 3 तो कोई भी भर देगा, वो पूरा कंपाइल भी हो जाएगा, जस्ट इसको ले जाके प्रोजेक्ट में कैसे डालना है इसको कई लोगों को डाउट्स भी आता है। यदि बिल्कुल थोड़ा भी कोई भी व्यक्ति एमएस वर्ड जानता हो या नहीं तो नॉर्मल टाइपिंग जानता हो, सबको यह पता होता है, इसलिए इतना आसान बना दिया ताकि सारे लोग आराम से इसको यूज कर सकते हैं। फिर ग्राफ को भी सेम है, कॉपी करके सेम ऐसे करके बनाना है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ग्राफ को आपको पेज सेटअप करने में कभी ऊपर नीचे ले जाने के लिए थोड़ा मेहनत लगता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट साइड क्लिक करके एक फॉर्मेट पिक्चर रह करके आ जाएगा ये ऑटोमेटिकली ये, फिर उसके बाद इधर एक पिक्चर करके एक कॉलम है इधर, वो ऑटोमेटिकली डायलॉग बॉक्स में उसको क्लिक करो और नीचे ऐसा बॉक्स आ जाएगा, क्लिक करने के बाद पिक्चर का एक स्क्वायर को क्लिक करो और एक सेंटर को क्लिक करो और ओके करो, तब क्या हो जाएगा आपको जहां चाहे वहां पे ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऊपर चाहे नीचे चाहे इस माउस को लेके ऊपर नीचे कर दो तो ऊपर नीचे भी हो जाएगा, पेज सेटिंग में कभी गड़बड़ नहीं होगा। ये सब कुछ डायग्राम से दिया हुआ है, कुछ भी मेहनत नहीं करना, क्योंकि ये सीडी यदि आप ले जाएंगे जो वीसीडी उसको एक बार चला के देख लो कि कैसे करना है, और इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कैसे करना है, ठीक है। फिर कई लोगों को सब कुछ बनने के बाद लिखने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, कैसे लिखना है, ऊपर टेबल भी है नीचे ग्राफ भी है, बीच में क्या लिखना है, ये भी मेहनत है। चलो जो कर सकता है वो बहुत बढ़िया है, वो अपने आराम से अपने रीति से करें, जो नहीं कर सकता है उसमें क्या लिखना है ये भी लिख के दिया है इसमें, इसको भी कॉपी करो और ले जाके उसमें पेस्ट कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको हर एक पेज में कम से कम एक एक पेज ले लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट में एक पेपर में एक क्वेश्चन एक ऊपर टेबल चिपका देना, नेक्स्ट जो हमने राइटअप दिया है उसको कॉपी करके डाल देना, उसके नीचे एक ग्राफ डाल देना, एक पेज में सारे आ जाएगा। जैसे मैं अभी दिखाता हूं, जैसे टेबल है, ये टेबल है उसके नीचे क्या लिखना है वो भी है, जितना उसके बाद और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पेशली एमएससी के लिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पीजी डिप्लोमा के लिए उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना मैं आराम से ये 25 पेजेस ऑटोमेटिकली बन जाएगा और उसके आगे इंट्रोडक्शन और सब कुछ दे सकते हैं तो आपका जो टोटल प्रोजेक्ट है वो 50 पेजेस का बन जाएगा। एमएससी के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए मैं बताया हूं। और जैसे आपने पूरा ये टेबल कॉपी कर लिया, फिर एक क्वेश्चन का कॉपी किया ऊपर और जैसे उसमें राइट अप करके लिखा हुआ है उसको कॉपी करके डाल देना, हर एक को चेक केवल इतना ही करना है, इधर नंबर देख लेना यस में कितना है 29 है तो इधर 29 लिख देना, उसमें थोड़ा बहुत खाली जगह छोड़ा है, और राइट साइड में डैश परसेंटेज करके छोड़ा हूं उसमें केवल आपको 58 लिख देना, जो ऊपर 58 आया तो 58, क्योंकि हर एक का एनालिसिस अलग अलग आएगा। फिर नेक्स्ट आपको नो में यहां पे लिखा हुआ है 11 रेस्पॉन्डेंट्स नो है और यहां पे 22% है, और फिर रेस्ट 10 द टोटल राइट अप में एक बार पढ़ता हूं, ऑन डाटा एनालिसिस ऑफ द अबव टेबल इट रिवील्स दैट आउट ऑफ 50 रेस्पॉन्डेंट्स 29 रेस्पॉन्डेंट्स आर द ब्रैकेट में 58% आर इन अग्रीमेंट विद दिस स्टेटमेंट एंड 11 रेस्पॉन्डेंट्स 22% आर नॉट इन अग्रीमेंट विद दिस स्टेटमेंट एंड रेस्ट 10 रेस्पॉन्डेंट्स दैट मीन्स 20% डिड नॉट ऑफर एनी कॉमेंट्स। ये ऑटोमेटिकली उसमें लिखा हुआ है उसको कॉपी करके पेस्ट कर दोगे तो ये भी हो जाएगा। केवल कभी कभी क्या हो जाता है, थोड़ा नकल के लिए भी अक्ल चाहिए ना, इसलिए क्या हो जाता है कभी टोटलिंग में आपको क्या करना है, नॉट अवेयर में यदि 00 आपका आया, क्योंकि कोई ने सारे यस और नो में ही आपका जवाब दिया,
नॉट अवेयर में कोई नहीं जवाब दिया तो ये लास्ट लाइन काट देना, रेस्ट वाला है ना उसको काट देना, ठीक है ना। तो एक पेज का ये पूरा ये बन जाएगा, कंसोलिडेटेड का एक पेज बन जाएगा, 20 टेबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा, 20 पेज ये भी हो जाएगा, और ऊपर और नीचे टोटल 23 पेजेस या 225 पेजेस ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आपका प्रोजेक्ट लगभग बन गया कितने घंटे में? आधा घंटा या एक घंटा मैक्सिमम, क्योंकि ब्राह्मणों का समय बहुत अमूल्य है ना। हाँ, यदि एमएससी के लिए क्या करना है, क्योंकि डेजर्टेशन में थोड़ा बहुत स्टफ ज्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि मास्टर ऑफ साइंस ले रहे हैं आप। इसमें क्या है कि टोटल रेस्पॉन्डेंट्स हाँ है, कितना हाँ है, क्यों हाँ कर रहा है ये लोग, क्योंकि आपने एक प्रश्न पूछा भाई आप आध्यात्मिकता को मानते हैं तो हाँ कहेगा, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि उसका विचार है, उन लोगों का आध्यात्मिक ज्ञान है और ये सब लोग भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं, ऐसे सारे पॉइंट्स आपका आ जाएगा। ना कहेंगे तो भाई ये लोग नास्तिक लगभग है कि भगवान को नहीं मानते हैं और इसीलिए तो आध्यात्मिकता को भी नहीं मानते हैं, या आध्यात्मिकता का सही परिचय उसको नहीं मिला, ऐसे करके ना करके उसके ऊपर लिख सकते हैं। और नो कॉमेंट्स है तो भाई ये कोई भी इसके ऊपर कॉमेंट्स नहीं करना चाहता है, क्योंकि उन लोगों को आध्यात्मिकता क्या चीज है वो भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए तो इसका कोई कॉमेंट्स नहीं है। ऐसे करके पूरा इसमें जब आप फोल्डर ले जाएंगे, इसमें पूरा हमारा एक मॉडल प्रोजेक्ट भी बना के दे रहा हूं, लेकिन इसको सेम टू सेम कोई कॉपी मत करना, क्योंकि कभी क्या हो जाता है एक बार यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी सबमिट कर लेते हैं तो फिर सेम वही दूसरा कॉपी करके सबमिट करेंगे तो आपका मार्क्स एट एनी टाइम आपका डिग्री रेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका पूरा थीम कैसे लिखना है वो दे के लिख सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली लिमिटेशंस ऑफ स्टडी और कंक्लूजन और आपका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है ये ऑटोमेटिकली आपके पास आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये 88 पेजेस का प्रोजेक्ट है, तो आराम से एमएससी लेवल में इतना आराम से आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा। क्योंकि इस बार आप गाइड के अंदर रह के कार्य करते हैं तो फिर डेजर्टेशन में तो इतना कम से कम लिखना अति आवश्यक है। हाँ, सेम बीसी रखो, 50 रखना चाहते हैं, ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, एक काम एक ये बताता हूं इसके लिए क्या ना, आपको फिर से आपको 50 वाला तो जनरल सबके लिए मैं बताया हूं, आपके लिए इसके अंदर जितना कॉलम्स ऐड करते जाओ और राइट साइड में कॉलम्स ऐड करते जाओ ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेटर बाकी लोगों के लिए भी काम करेगा। लेकिन मैं प्रैक्टिकल सेम है, सेम प्रोसीजर है, जस्ट उसके अंदर इंसर्ट कॉलम करके आप नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा देना, जितना क्वेश्चंस रख रहे हो उतना इंसर्ट नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा दो। हाँ, ऑटोमेटिकली इंसर्ट कॉलम्स राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम्स करो तो वो आ जाएगा, और नीचे भी इंसर्ट रोज करेगा तो आ जाएगा, बीच में करना। हाँ, बीच में करना ताकि लास्ट में एंड में करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा, आपके लिए चाहे तो अलग से बना देंगे, क्योंकि किसके पास इतना मेहनत है कि भाई 50 क्वेश्चन आप भरवाओगे उसके लिए तो सारे कुछ ये करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट मैं ये बताना चाहता हूं, ये टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है ये सब लोग लगभग जानते हैं। एक शेड्यूल है, सेम क्वेश्चनेयर है जो सामने बैठकर जब भरवाते हो तो उसको शेड्यूल कहा जाता है, बाई पोस्ट में जब भेजते हो तो उसको क्वेश्चनेयर कहा जाता है, ठीक है। इट इज नथिंग देन द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इट सीम्स नेसेसरी टू आंसर इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस और कम टू एनी रिजल्ट, ठीक है। क्वेश्चनेयर क्या है कि कंसिस्ट ऑफ अ शेड्यूल ऑफ अ क्वेश्चन सेंट बाय मेल टू अ पर्सन और ए लिस्ट और इन अ सर्वे सैंपल। जब इंटरव्यूइंग मेथड भी है, जब मैं एमएससी के लिए जब कोई भी आप भर रहे हो या कोई लिख रहे हो ना उसके लिए आप इंटरव्यूइंग मेथड भी यूज कर सकते हो। वो कैसे यूज करना है वो मैं बताता हूं। जब आपने हाँ या ना में उत्तर ले लिया, एक स्पेशल इंटरव्यू आपने कंडक्ट नहीं किया, तब भी आप इंटरव्यूइंग मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि किसने हाँ कहा किसने ना कहा ऑन इंटरव्यूइंग द रेस्पॉन्डेंट इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड दैट करके आप पूरा पूरा आप लिख सकते हो कि भाई ये इसलिए नहीं मान रहा है, ये इसलिए इसलिए मान रहा है और ये इसलिए कमेंट्स ऑफर नहीं किया करके, तो आपका मैटर आराम से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इंटरव्यूइंग मेथड में आप भले कहीं से भी आप बड़े बड़े जो भी जैसे मैनेजमेंट के ऊपर कर रहे हैं तो सीईओ के पास जाके स्पेशल इंटरव्यूज लेके उसके भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो डेजर्टेशन में। पीजी डिप्लोमा के लिए इतना ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड आपका अपना अनुभव, मान लो कि मैं ज्ञान में इतना साल चल रहा हूं मेरे को पता है कि मेडिटेशन का क्या प्रभाव है क्या नहीं है, वो भी आप लिख सकते हो।
और एक केस स्टडीज है। ये सेम ऐसा ही स्टडीज कई और कंडक्ट किया, सेम आपके जैसा ही प्रोजेक्ट कोई और ने भी कंडक्ट किया होगा, तो उसमें क्या लिखा, उसका क्या क्या पॉइंट्स आया करके उसको भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। एक सबसे मेन पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, एक क्वेश्चनर जो बनाना है आजकल बहुत आसान हो गया, क्योंकि गूगल में आप क्वेश्चनर करके टाइप करो और आपका टॉपिक टाइप करो तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चनर आ जाता है करके पिछले बार क्लास में बोला था। तो आराम से कुछ पॉइंट्स में, कुछ टॉपिक्स में आ गया है जो हम लोग स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कर रहे हैं, जैसे राजयोग के ऊपर और इसके ऊपर। अब तक इसके ऊपर कोई स्टडीज नहीं हुआ, इसीलिए इस स्टडीज को, क्योंकि आप इंटरनेट में आप डाउनलोड करना भी चाहते हो तो कुछ नहीं मिल सकता है। इसीलिए क्वेश्चनेयर को कैसे बनाना है वो एकदम शॉर्ट में मैं बता देता हूं, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है। क्योंकि क्वेश्चनेयर को बनाने के टाइम में क्या है, आपको सोचना चाहिए एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम। आप क्या टॉपिक लेते हो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं ले लिया रोल ऑफ मैनेजमेंट इन स्पिरिचुअलिटी, तो मेरे लिए तो एक टॉपिक में दो पॉइंट्स हो गया, एक है मेडिटेशन, एक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और एक मैनेजमेंट के ऊपर। तो टोटल मैं मैनेजमेंट के ऊपर भी आधा क्वेश्चनर में बना सकता हूं और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी बना सकता हूं, टोटल मिला के 20 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ऐसे 50 टॉपिक्स जो आपको दिया है उस टॉपिक्स के ऊपर आराम से आप क्वेश्चनर बना सकते हो। लेकिन क्वेश्चनर बनाने के लिए आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज बहुत जरूरी है, पूरा नॉलेज होगा तभी तो आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चनर कैसे बनाना है उसके ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत अपना अनुभव भी यूज करना है, वो है यूज ऑफ एक्सपीरियंस और फिर इंक्लूजन ऑफ अप्रोप्रिएट आंसर। 20 क्वेश्चन बनाना है करके बीच में कुछ भी क्वेश्चन घुसा दो तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो चला जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सिंप्लिसिटी ऑफ अ क्वेश्चन, जितना सिंपल लिखोगे उतना आराम से आपको क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। फिर क्लैरिटी ऑफ वेरिएबल्स, आप क्या पूछना चाहते हो पहले खुद को समझ में आना चाहिए, तभी आप उसको क्वेश्चन डालोगे तो उसका आंसर आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि रोल ऑफ मैनेजमेंट इन स्पिरिचुअलिटी, रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तो करते ही है, क्या स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में मैनेज करने के लिए हेल्प करती है, एक क्वेश्चन तो हाँ या ना में उत्तर देगा वो। फिर बाद में बोल सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट के लिए आपका ह्यूमन रिलेशंस भी बहुत मेंटेन करना अति आवश्यक है, वो स्पिरिचुअलिटी से बढ़ सकती है करके, ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अ क्वेश्चनर, स्टार्टिंग से लेकर 20 लगातार लाइव में होगा तो उसको आंसर करने में भी आसान रहेगा, आपको लिखने में भी आसान रहेगा। नहीं तो ऊपर का क्वेश्चन और नीचे का क्वेश्चन में कोई कनेक्टिविटी ही नहीं रहेगा तो आपका क्वेश्चनर आगे चलेगा नहीं, प्रोजेक्ट लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। फिर इंटर रिलेशन ऑफ क्वेश्चंस, ऊपर में क्या बोल रहे हैं और नीचे क्या बोल रहे हैं, पहले 4 क्वेश्चंस ऐसा डालो और 5वां क्वेश्चन उसको ऊपर वाले को चेक करो। पहले बोलो कि भाई आप मानते हो कि हाँ आध्यात्मिकता मैनेजमेंट में हेल्प करती है, बोलता हाँ। फिर लास्ट में बोलो कि भाई स्पिरिचुअलिटी आपको मैनेजमेंट का स्किल्स और क्या बोलते कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सब कुछ बढ़ाता है। ऊपर में उसने हाँ कर दिया और नीचे ना कर रहा है, इसका मतलब वो रेस्पॉन्डेंट गलत हो रहा है। ये वाला भी आप काउंटर चेक आप क्वेश्चनर के द्वारा कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चनर, अभी आपका प्रश्न का उत्तर आ गया, कॉम्पैक्ट साइज ऑफ क्वेश्चनर। भाई मैं 50 क्वेश्चन बनाऊंगा, किसके पास इतना टाइम है, पूरा भर के दे देगा आपको। ठीक है, इसीलिए 20 भरो, क्वालिटी ले लो, बहुत अच्छी रीति से आप एनालाइज में ज्यादा आप लिखो, ताकि क्वेश्चंस बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये पीएचडी नहीं है। फिर तीसरा है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे एकदम क्लियर फोकस उसके ऊपर हो, क्लैरिटी हो, और आपको कभी कभी समझाना पड़ेगा कि भाई मैंने क्या क्वेश्चन डाला रेस्पॉन्डेंट्स को। मेरिट्स ऑफ अ क्वेश्चनर, ये आप कहां यूज कर सकते हो, जब आप प्रोजेक्ट जब लिखते हैं ना, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी में आप लिख सकते हो, या नहीं तो डाटा एनालिसिस में आपको पूरा चैप्टर है, उसके आगे क्या लिखेंगे पीछे क्या लिखेंगे। एनालिसिस तो शुरू करेंगे, उसके आगे कुछ तो लिखना पड़ेगा ना कि मैंने ये क्वेश्चनेयर मेथड यूज किया, उसके लिए ये फायदा है इसलिए यूज किया। उसके क्या फायदा है, एक क्वेश्चनेयर में इकोनॉमिकल है क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, या नहीं तो किस किस के पास अपॉइंटमेंट ले लेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे, उसके पूरा बैठ कर उसका भी टाइम देगा नहीं देगा, इसके लिए बहुत मुश्किल है। तो क्वेश्चनर में क्या है, एक एक प्रिंट आउट निकाल लिया और 50 जिराक्स करा लिया, सबसे दे दिया और उसका रिस्पांस मिल गया, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा, इकोनॉमिकल है। फिर वाइड एरिया ऑफ स्टडी, क्योंकि किस किस को भी आप दे सकते हो और रेस्पॉन्डेंट्स को भी आप अलग अलग रीति से चूज कर सकते हो। फिर एक ईजी एक्सेस है कि आराम से आप हर एक के पास जा सकते हो और ये ले सकते हो।
फिर कंप्लीट फ्रीडम टू रेस्पॉन्डेंट। आपने क्वेश्चनर दे दिया, वो अपने मर्जी से आराम से भर सकता है। यदि सामने कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इंटरव्यू में, वो आपके फेवर में बोल सकता है या आपके अगेंस्ट में भी बोल सकता है। अगेंस्ट में बोलने के लिए सोचेगा, माने टॉपिक के अगेंस्ट में, ठीक है भाई आप आध्यात्मिकता को मानते हो, वो बोलता है कि हाँ क्योंकि हम लोग व्हाइट साड़ी पहन के जाते हैं या नहीं तो व्हाइट ड्रेस पहन के जाते हैं, तो लगभग वो लोग हमारे हिसाब से चलना शुरू करेगा, ठीक है ना। लेकिन उसको क्वेश्चनर दे दो तो कुछ भी भर देगा, वो आराम से हम लोग देख सकते हैं क्योंकि उस टाइम में आराम से अपना माइंड सेट भर सकता है। और ऑब्जेक्टिविटी है कि क्या क्लियरली फोकस कर सकते हो। इंटरव्यू करने के टाइम में सारे क्वेश्चन हम बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में भी बहुत सारे है आपका लूप होल्स है, क्योंकि आप अपने मन से लिख रहे हो, आपका ऑब्जर्वेशन है, किसी और का गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए इंटरव्यू क्वेश्चनर मेथड आपका लगभग सक्सेस माना जाता है रिसर्च फील्ड में। और ऑथेंटिसिटी, किसी का इंटरव्यू ले लिया है, क्या ऑथेंटिक है वो, कितना लोगों का इंटरव्यू ले लिया, क्या ऑथेंटिसिटी है उसका, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। मान लो कि आजकल तो कम से कम वीडियो ले जाना पड़ेगा तब जाके, या नहीं तो रिकॉर्ड करो तब जाके ऑथेंटिक बनेगा, नहीं तो क्वेश्चनर जब वो भर के दे देगा लास्ट में साइन करा सकते हो तो ऑथेंटिसिटी हो जाता है अप टू सम लेवल। फिर डिमेरिट्स ऑफ क्वेश्चनर, ये इसलिए बता रहा हूं आपको लिमिटेशंस लिखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा भी है कैसे लिखना है वो भी आप आराम से प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं। एक है लैक ऑफ यूनिवर्सैलिटी, ठीक है पूरा सारे चीज इसमें तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि कुछ इमोशंस और ये सब कुछ वो हमें पता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चनर वो भर के दे रहा है, वो किस स्टेज में लेके भर रहा है, उसका क्या इमोशंस है वो हम पकड़ नहीं सकते। इंटरव्यूइंग मेथड में वो पकड़ सकते हैं, क्योंकि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा उसके मुख के क्या बोलते हैं सिचुएशन से हमें आइडिया लग जाएगा। फिर एक है इनकम्प्लीट रेस्पॉन्सेस, कभी आप पूरा 20 क्वेश्चन का क्वेश्चनर दे दिया, वो 10 का भर के वापस दे देगा, तो आप क्या सोचेंगे भाई बाकी 10 क्या है इसका रेस्पॉन्स है, हाँ या ना, ये भी डाउट आ जाएगा, ठीक है। फिर लैक ऑफ क्लैरिटी कि भाई उस बंदे को पता ही नहीं है आपका सब्जेक्ट के बारे में, वो क्या देगा, ये भी बात होती है। तो इसीलिए जब रेस्पॉन्डेंट्स को चूज करते हैं ना तो सोच समझ के चूज करना, नहीं तो क्या हो जाएगा कि आपने सारे जो भी बाबा के बच्चों से ही भरवाओगे आध्यात्मिकता के ऊपर तो सारे हाँ ही करेगा, कौन ना करेगा, तो आपका प्रोजेक्ट का लास्ट में 100% सब आ जाएगा, तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, डायरेक्टली काट देगा। इसीलिए उस कैलकुलेटर में आपके पास ये भी मैं ऑप्शन बताता हूं, 25 या 30 भर दो, डायरेक्टली आप कंपाइलेशन चार्ट में जाओ तो आपका कितना परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली बता देगा। यदि मान लो आपका 100 के आसपास आ रहा है तो आप रेस्पॉन्डेंट्स को ऐसे चुनो जो इसका नेगेटिव रिप्लाई दे दे, समझ ने, क्योंकि जो ड्रग डी एडिक्शन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि एक भाई का अनुभव था, वो पूरा बेचारा इतना मेहनत किया, 50 क्वेश्चनर भरवा के लाया और मेरे से ये सारे एंट्री करने के लिए बोला, तो सारे हाँ ही करा, हाँ ही किया, तो हाँ ही सब कुछ हाँ किया है, तो फिर आपका रिजल्ट क्या आएगा, एनालिसिस क्या किया आपने, 100% 100% 100% 100 यस है, नो जीरो है, नॉट अवेयर जीरो है, तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। तो मैं उसको समझा दिया भाई ऐसा मत करना, क्योंकि मैं जैसे ही 35 एंटर किया उसके बाद समझ गया, लास्ट 15 क्वेश्चनर को मैं बोल दिया बस इसको निकाल दो, और आप जाकर अभी दो ऑप्शंस है, मेरे को तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे हैं तो गाइडेंस तो देना ही है। आपके पास ए भी ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है कि सारे तो आपके सोच करके आपका फॉर्मल रिलेशनशिप के आधार पर सारे हाँ ही भर दिया, तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, आपको पता भी है लेकिन फिर भी वो गलत भर दिया, तो क्या करेंगे, कुछ 15 क्वेश्चंस ब्लैंक रख लेना, 15 या 20, स्टडी के हिसाब से वो डायरेक्टली आपके कैलकुलेटर में 1 या 2 वो सब कुछ डाल देना, क्योंकि यस ज्यादा आ रहा है तो नो डाल देना, ठीक है, या नॉट अवेयर भी थोड़ा डाल देना ताकि आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि दो ऑप्शंस है, एक तो प्रैक्टिकली मेहनत करो लोगों के पास जाकर, ठीक है, या नहीं तो आप लास्ट 15 को तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो, मैनिपुलेशन का ऑप्शन हमारा कैलकुलेटर में है, ठीक है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके हिसाब से आपका पूरा ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा, ऑथेंटिक भी हो जाएगा वो, क्योंकि लूप होल्स नहीं बताना चाहिए लेकिन भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन सारे 100 आ जाएगा तो बोला कि भाई कैलकुलेटर दे दिया कोई जरूरत ही नहीं, सब हाँ ही कर दिया तो कैलकुलेटर की क्या जरूरत है, नहीं तो ये आपका स्टडी जब, क्योंकि अभी इनिशियल फेसेस में है, स्ट्रिक्ट एवेल्युएशन नहीं होने हो भी सकता है, इसीलिए थोड़ा बहुत लिबरल हो तो चल लोग एडवांटेज भी ले सकते हैं। यदि स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो मेहनत किया, सब कुछ किया, प्रिंट आउट भी ले लिया, प्रोजेक्ट भी बना दिया और लास्ट में आपका देखा भाई मेरे को तो 100 में कम मार्क्स मिला, क्यों मिला,
क्योंकि आपका प्रोजेक्ट ही खराब है, आपने बहुत मेहनत किया तब भी लास्ट में आपका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो मैनिपुलेशन का भी ऑप्शन है। फिर दूसरा क्या है, लैक ऑफ डीप नॉलेज। जो भी रेस्पोंडेंट से आप भरवाते हो तो उसको पूरा नॉलेज ना होने के कारण क्या करेगा, जो अपना मन में आया वो भरना शुरू कर देगा, तो ये भी गड़बड़ हो सकता है। फिर यूज अच्छा यूजफुल ओनली इन द स्टडी ऑफ एडुकेटेड रेस्पोंडेंट्स, नहीं उसमें क्या लिखा है वो एडुकेटेड पर्सन को ही लगभग यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन आपके और भी है, क्वेश्चनर में जब ले जाते हैं तो दूसरा भी ऑप्शन है कि केवल उसी को भरने की जरूरत नहीं है, अनपढ़ लोगों के पास भी जाकर आप प्रश्न पूछो, आप उसका राय मांगो और आप भी भर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ देम, ठीक है। तो लेकिन नॉर्मली क्या है ना, जब वो आप भर रहे हो तो नेचुरली उसने क्या कहा वो समझ नहीं पाया, तो नेचुरली आपका क्वेश्चनर का एक मेन ड्रॉबैक है। ये सब कुछ आप लिमिटेशन ऑफ स्टडी में लिख देना, ये आपको मॉडल में लिखा भी हुआ है कि कैसे हम लिमिटेशन ऑफ स्टडी लिखते हैं, ठीक है। फिर सैंपल क्वेश्चनर क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर मैं बताया था, लगभग 5 या 6 क्वेश्चनर्स ले लिया हूं ताकि आपको समझाने के लिए। पार्ट ए में पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं। कई लोगों के पास मान लो आपने बहुत स्पेशल टॉपिक ले लिया, क्योंकि किसी का एक टॉपिक था सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उसमें कौन अपना नाम देना चाहता है ऊपर जब रिस्पॉन्स देने के टाइम में, ठीक है ना। तो ऐसे वाले में या कहीं कहीं पे पॉइंट्स ऐसा ऐसा स्टडीज आपका हो सकता है जिसके ऊपर वो लोग नाम नहीं लिखना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑप्शनल है, पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। लेने के फायदा क्या हो जाता है, जब आप लिमिटेशन ऑफ स्टडी में आप ये बोल सकते हो मैं जो जो रेस्पॉन्डेंट चुना हूं वो लगभग कम स्तर के एडुकेशन क्वालिफिकेशन वाले हैं, या नहीं तो बहुत रिसर्च स्कॉलर्स है, या नहीं तो ये वाले हैं करके आप मेंशन कर सकते हो उसके आपके लिमिटेशन में। फिर क्वेश्चंस ऑन रिसर्च प्रॉब्लम कि क्या क्या क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस जब बनाएंगे तो आपको पहले से ही क्लियरली कहा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं बनाना, जैसे आपका योग अच्छा लगता है हाँ ना या नो कमेंट्स वो लिख सकता है, लेकिन कितना देर योग किया, तो आपने एक क्वेश्चन डाला तो कि भाई एक दिन में आप कितना घंटा योग लगाते हो, तो कोई 1 घंटा लिखेगा, 2 घंटा लिखेगा, 10 घंटा लिखेगा, आप उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं किसने कितना घंटा लिया किसने कितना घंटा लिया। इसलिए कभी भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं बनाना, जिसके आंसर आपका यस नो या नॉट अवेयर में आएगा वही क्वेश्चंस बनाना है। फिर रेस्पॉन्स ऑफ रेस्पॉन्डेंट्स में 3 कॉलम राइट साइड में बना सकते हैं जिसके द्वारा आपका पूरा काम हो सकता है। फिर यदि लास्ट में सजेशंस आप लिख सकते हो, क्योंकि किसी किसी का, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कोई अच्छा मान लो वेल एडुकेटेड वाला है उसने कुछ सजेशंस दिया है, वो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो आपका फाइंडिंग्स एंड सजेशंस में, ठीक है ना। ये लगभग कुछ क्वेश्चनर्स बनाया है जैसे दिखाते हैं, डू यू अंडरस्टैंड मेडिटेशन। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा डालोगे आप प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो, तो उसने नो कहा तो आपका सारे क्वेश्चनर उल्टा हो जाता है। इसलिए क्वेश्चंस का फॉर्मेशन भी इस हिसाब से बनाना कि इसको तो ना कोई ना करे फर्स्ट क्वेश्चन को कम से कम, ताकि आपका क्वेश्चनर चले। फिर हैव यू एक्सपीरियंस इन पर्सनल लाइफ मेडिटेशन को एक्सपीरियंस किया या नहीं किया। फिर मेडिटेशन इज यूजफुल इन मेंटेनिंग पर्सनल एंड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। डू यू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन दैट यू केम अक्रॉस इन योर लाइफ, हाँ या ना में बताएगा, उसके हिसाब से हम आंसर्स लिखेंगे। डू यू फील डिफरेंस इन नेम मेक्स ए वेराइटी ऑफ मेडिटेशन, अभी विपासना है, राजयोग है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन है, लेकिन सारे सेम है या नहीं। डू यू फाइंड एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिटेशन। सिंक्रोनाइजेशन देखना, लगभग एक सारे एक दूसरे क्वेश्चन लगभग इंटरलिंक्ड है। डू यू फील द अल्टीमेट गोल इज द सेम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन। प्राणायाम इज द हेल्थ स्पेसिफिक मेडिटेशन, मैंने इसमें डू यू फील दैट करके आगे जोड़ देना, इसको मैं शॉर्ट में लिखा हूं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इसलिए। हट योगा इज बेसिकली मेंट फॉर सेंट्स एंड सेजेस, उसका अपना अपना रिएक्शन हम मांग सकते हैं, उसके हिसाब से आप लोग ये कर सकते हैं। और सबसे मेन आपको कंक्लूजन में जब क्वेश्चनेयर बनाते हो लास्ट क्वेश्चन आपका स्टडी को कंक्लूड किया हुआ टाइप हो, जैसे राजयोग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग ऑफ पर्सन सोसाइटी एंड एज ए होल ह्यूमैनिटी, ठीक है। सेम ऐसे ही नेगेटिविटी इन लाइफस्टाइल, जैसे एराडिकेशन ऑफ नेगेटिविटी विल पेव द वे फॉर एस्टैब्लिशिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। लास्ट आप क्या कहना चाहते हो प्रोजेक्ट के द्वारा, वो वाला क्वेश्चन लगभग लास्ट में डाल देना, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन में आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू किया और लास्ट में एंड कर रहे हैं, तो लगभग आपका जो प्रोजेक्ट है बहुत क्लियरली सिस्टमेटिक वे में चलेगा।
ठीक है, और कोई क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर? हाँ, यदि मान लो जो जो हिंदी में करना चाहते हैं, इसको तो हिंदी ट्रांसलेटर यदि कोई मिल जाए तो उसको जो राइटअप वाला का छोड़ के सेम कॉपी कर लेना और पेस्ट कर लेना, यस नो और इसके ऊपर। जैसे ही एमएस वर्ड में आप जाओगे, इसमें आप क्लिक करके आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हो, आपका एडिटेबल है ये। हाँ ना या नहीं तो पता नहीं करके लिख सकते हो। और दूसरी भी बात बताता हूं, शायद फर्स्ट पीजीडीवीएस में ये भी आपको ऑप्शन दिया गया है कि हिंदी में टाइपिंग करने के लिए भी कई लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो इंग्लिश में भी आपका प्रोजेक्ट कर सकते हैं करके बताया है, क्योंकि इंग्लिश में करना आसान है। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूबल टिप्स मैं थोड़ा बहुत देना चाहता हूं, जब आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर जब बनाते हो, इसमें लगभग फर्स्ट वाले में तो टाइटल पेज रहेगा, ठीक है, ये टाइटल पेज रहेगा आपका, और सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं ऊपर, और स्टडी कंडक्टेड इन कहाँ लिखना है वो अपना एरिया का लिख देना, और फिर आपका सब कुछ हो जाएगा, और नाम, एनरोलमेंट नंबर, यदि क्वालिफिकेशन ऑप्शनल है लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, और फिर लास्टली ये है। फिर नेक्स्ट है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, ये बहुत जरूरी है। कई लोगों ने, हमने कितना बार बोलने के बाद भी क्या किया, प्रैक्टिकली वो जब सबमिशन के टाइम में ये सर्टिफिकेट नहीं रखा, उस बाद में लास्ट मोमेंट में जिराक्स करना पड़ता है, क्योंकि इसमें दो लोगों का साइन होता है, एक इंटरनल एग्जामिनर और एक एक्सटर्नल एग्जामिनर का, तो ये 100% लिखना है, और थर्ड में आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल का आपको पेस्ट करना है, और फिर लास्ट में पूरा सब कुछ होना है, और टॉपिक में इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं, आपका टॉपिक को यदि मान लो मैनेजमेंट और स्पिरिचुअलिटी है, तो मैनेजमेंट के बारे में आपका जितना भी आपका नॉलेज है वो आप एक जगह पे ले सकते हैं बुक्स के ऊपर, और उसके ऊपर टाइप कर सकते हैं। और दूसरा, डायरेक्टली आजकल फैसिलिटी है इंटरनेट से लगभग डाउनलोड कर लेना मेटेरियल, और उसके हिसाब से आप पढ़कर अपने ओन शब्दों में लिखना। कभी क्या करते हैं ना, इंटरनेट से जो आया डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। फर्स्ट टू टू थ्री पेजेस कम से कम आप अपने बारे में लिखो, फिर बाद में बीच बीच का जो किसी का जो प्रोवर्ब्स है या किसी किसी का जो सेइंग्स है वो बीच में आप डाल सकते हो, और उसको पढ़कर आप अपने वर्ड्स में लिखोगे तो वो कॉपी नहीं कहा जाता है, क्योंकि आपको रेफरेंस करने के लिए पूरा हक है पीएचडी जब प्रोजेक्ट बनाने के टाइम में और डिसर्टेशन बनाने के टाइम में, और किसी ने फलाना प्रोजेक्ट में लिखा है करके ये भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपका इंट्रोडक्शन आराम से हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स एक पेज में आप बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बना देना। इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, आपका स्टडी का इंपॉर्टेंस भी आप शॉर्ट एंड स्वीट में एक पेज का बना देना। लिमिटेशंस भी एक पेज का बना सकते हैं, और डाटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आपने क्या टूल्स अपनाया, क्या क्वेश्चनर मेथड यूज किया या क्या यूज किया, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जब इसके ऊपर जब आप लिखना शुरू करते हैं, खासकर एमएससी डिजर्टेशन वालों के लिए, जब भी आप इसका जब एक्सप्लेनेशन आप जब देते हो, तो आप ये मत बोलो कि ये मेरा व्यू है, क्योंकि जो इस चैप्टर के अंदर जो रेस्पॉन्डेंट्स बताया उसी का व्यूज दिया जाता है, अपना कुछ भी नहीं लिखना चाहिए इस चैप्टर में, कि मैं क्या समझता हूं वो नहीं लिखना, उन्होंने क्या बताया वही लिखना है। नेक्स्ट में सजेशन एंड रिकमेंडेशन में क्या करना है, आपका पूरा लिबर्टी है, आप क्या सोचते हो, आप क्या सजेस्ट कर रहे हो, आप क्या रिकमेंड कर रहे हो स्टडी के द्वारा, वो आप लिख सकते हैं, और कंक्लूजन भी उसी हिसाब से आप दे सकते हैं। और बिबलोग्राफी में आपका जो भी बुक्स यूज किया उसका लिख सकते हैं, और सैंपल क्वेश्चनेयर भी आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। ये पूरा मॉडल आपको इसमें मिल रहा है, ताकि इसको देख के आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट? रिव्यू ऑफ लिटरेचर मैं पीजी डिप्लोमा के किया था, इसलिए मैं नहीं किया था, ये पुराना है, मैं बाद में उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी ऐड करके एमएससी में, सॉरी पीजी डिप्लोमा में सबमिट किया। इट वाज 106 पेजेस का ये था, प्रोजेक्ट था। और कुछ? हाँ, इसमें जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, हाँ ठीक है, इसमें ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है और फोन नंबर भी दिया हुआ है।
तो इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। और कुछ? हाँ, apsantoshmphil@gmail.com, 9311 60, ये आपको सीडी में मिल जाएगा, नहीं तो लिख सकते हैं। और कुछ? हाँ हाँ जानता हूँ जानता हूँ। आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप जब डायरेक्टली डालोगे ना तो आप देखना बहुत मुश्किल पड़ेगा आपको सब कुछ लिखने में। हाँ 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 भले बीच में जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो। बेटर है, सजेशन है कि हिंदी से इंग्लिश में आसान है प्रोजेक्ट बनाना। टाइपिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप जिस सॉफ्टवेयर में टाइप करते हो ले जाके प्रिंट लेने के लिए जब जाओगे तो उधर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इंग्लिश में आराम से बना सकते हैं, हिंदी में भी बना सकते हैं, कर सकते हैं ना, इंग्लिश में भी आपका प्रोजेक्ट। इसमें अगर आपने हिंदी मीडियम लिया है तो प्रोजेक्ट पूरा पूरा आप इंग्लिश में कर सकते हैं। और दूसरा, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई का, जोरदार ताली से हम स्वागत करें, बहुत मेहनत की है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इनके प्रोजेक्ट को हम एज इट इज ना टेप दें, ये आइडिया है उस आइडिया के हिसाब से अपने हिसाब से तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।